देश में शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। कई राज्यों में राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है। शुक्रवार सुबह 9 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 16 सीटों पर एक करीबी मुकाबले की उम्मीद है, जबकि 15 राज्यों के कुल 57 सीटों में से 41 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है। बाकी बचे 16 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या सीटों से अधिक है। वहीं हरियाणा में दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि 2 सीटों के लिए हो रहे मतदान में से 1 सीट पर बीजेपी की जीत होने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के 40 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 31। ऐसे में बीजेपी को जीत के लिए 31 विधायकों का मत चाहिए और कांग्रेस को जीत के लिए सिर्फ 30 वोट चाहिए। ऐसे में दोनों के खाते में एक एक सीट जा सकती है। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन दोनों नेताओं को अपना वोट डालने का अधिकार है। देखिए, उनको पूरा अधिकार है। नवाब मलिक तो आज भी कैबिनेट मंत्री है, अनिल देशमुख भी विधायक है। दोनों विधायक को अधिकार है कि विधानसभा में आकर अपना वोट कास्ट करें। संविधान ने उनको अधिकार दिया, उसने कोई मर्डर नहीं किया है या हत्या नहीं की है। अब तक उनको कन्विक्शन नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है, चल रहा है पूरा मैटर। फिर भी अगर उनको रोका गया है, उसका मतलब है कि किस दबाव के नीचे केंद्रीय एजेंसी काम कर रही है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा में पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा है। राज्यसभा की 57 में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यूपी में 11, तमिलनाडु में 6, बिहार में 5, आंध्र प्रदेश में 4, मध्य प्रदेश और ओडिशा में 3-3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड में 2-2, उत्तराखंड में 1 उम्मीदवार बिना किसी चुनाव के निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। उधर हरियाणा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अजय माकन की जीत का दावा किया है। वी आर कॉन्फिडेंट दैट आवर कैंडिडेट श्री अजय माकन जी विल win with more than required number of votes and with vote number of votes more than our strength. आपको बता दें कि सबसे ज्यादा 14 बीजेपी, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के 4-4 प्रत्याशी, डीएमके और बीजेडी के 3-3, आप, आरजेडी, टीआरएस, एआईएडीएमके के 2-2, जेएमएम, जेडीयू, एसपी और आरएलडी के 1-1 नेता और निर्दलीय कपिल सिब्बल निर्विरोध निर्वाचित सदस्यों में शामिल है। वहीं राजस्थान के सीएम राज्यसभा चुनाव के लिए जयपुर में मौजूद विधानसभा पहुंचे। यहां कुल 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, जीत रहे हैं कम्फर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि भगदड़ मची हुई वहां पर है। इन्होंने जिस प्रकार से 30 उम्मीदवार खड़ा किया, उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने क्या तुक थी, ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए, वरना 4 सीटें, 3 हमारी, 1 बीजेपी आराम से जीतती। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार ही खानी पड़ी इन लोगों को, अब फिर इस बार मार खाएंगे लोग। अब आपको हम राज्यसभा के गठन और उसके मकसद के बारे में भी थोड़ा सा बताते चलते हैं। राज्यसभा का गठन साल 1954 में 23 अगस्त को किया गया था। गठन का मकसद था एक स्थायी सदन का होना। जिस तरह लोकसभा भंग हो सकती है, उस तरह राज्यसभा भंग नहीं होती, क्योंकि इसे स्थायी सदन माना गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी चुने हुए सांसदों से 1 साल ज्यादा यानी कि 6 साल का होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।